हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर मिनरल न्यूट्रिशन के। हम टॉपिक देख रहे थे जिसमें आपका 30 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए थे चैनल पे। आज 31 नंबर क्वेश्चन से हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी के अंदर में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलने वाले हैं कि कौन सा साल में, कौन सा ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट क्लास में हमने 30 नंबर क्वेश्चंस का आपके लिए क्वेश्चन दी गई थी जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था, लेकिन अभी भी किसी स्टूडेंट की कमेंट नहीं आई लास्ट क्वेश्चन का कि राइट आंसर क्या होने वाला है। इसमें देखिए रिया, 30 नंबर क्वेश्चंस का आपका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी होगा, यानी कि इसमें सॉल्ट मैट्स स्पेसिस, ठीक है ना। बी इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इसमें राइट होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। 31 नंबर क्वेश्चन से बात करने वाले आज डियर, जो कि आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। इंसेक्टिवोरस प्लांट कैन ग्रो वेल इन द डेफिशिएंसी ऑफ। मिनरल न्यूट्रिशन की चैप्टर चल रही है डियर, ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन आपका फोटोसिंथेसिस के भी एमसीक्यूज मिलेंगे, सभी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मिलेंगे। मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ही बोल चुकी हूँ, एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के भी दी जाएंगी, बट अभी बायोलॉजी आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट कैन ग्रो वेल इन द डेफिशिएंसी ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया डियर, कीटभच्छी पौधे किसकी कमी में अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं। कीटभच्छी पौधे इंसेक्टिवोरस प्लांट है ना, कैन ग्रो वेल इन द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी में अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं। तो किसकी कमी में होगा डियर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि नाइट्रोजन। क्या आएगा डियर, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि अकार्बनिक पोषक तत्व मिट्टी में किस रूप में मौजूद होते हैं, किस रूप में मौजूद होते हैं मिट्टी में डियर। मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रिकल चार्ज आयंस या फिर पैरासाइट्स। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपका 32 नंबर का, इसमें आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डियर हमारे पास, द कंसंट्रेशन ऑफ या मैक्रो एलिमेंट पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर इन प्लांट इज एट लेस, यानी कि पौधों में शुष्क पदार्थ के प्रति ग्राम एक मैक्रो आपका एलिमेंट की एकाग्रता कम से कम होती है, कितना होना चाहिए डियर। तो 100 माइक्रोग्राम पर ऑफ ड्राई मैटर या फिर 100 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर, सॉरी फर्स्ट में 1000 है डियर, सेकेंड में 100 है, नेक्स्ट हमारा 1500 है और लास्ट में आपका 995 है डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैक्रो एलिमेंट पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर इन प्लांट इज एट लीस्ट, कितना होना चाहिए। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 1000 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 34 नंबर क्वेश्चन। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ डिले इन फ्लावरिंग अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि फूल आने में पूर्ण दमन या देरी किसकी कमी के कारण होती है। तो फास्फोरस के कारण, नाइट्रोजन के कारण, कैल्शियम के कारण या आयरन के कारण। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, तो ऑप्शन इसमें जो होगा ऑप्शन बी होगा, नाइट्रोजन। क्या होगा डियर, ऑप्शन बी आएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखिएगा, प्लांट्स रिक्वायरिंग टू मेटालिक कंपाउंड्स फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस आर, यानी कि क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए दो धात्विक यौगिकों की आवश्यकता वाले पौधे हैं। आयरन एंड कैल्शियम होगा डियर, आयरन एंड मैग्नीशियम होगा, या फिर आपका कॉपर एंड कैल्शियम होगा, या कोबाल्ट एंड पोटेशियम होगा। चार ऑप्शन दी गई है डियर, जिसमें पूछा गया है कि क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए दो धात्विक यौगिकों की आवश्यकता वाले पौधे हैं, तो क्या होंगे डियर, इसमें क्या जरूरत होगा इसके लिए, तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि आयरन एंड मैग्नीशियम, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डियर हमारे पास, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, यानी कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, तो यहाँ पे देखिएगा मॉलिब्डेनम या आयरन या जिंक होगा या ब्रोन होगा, क्या होगा इसमें राइट आंसर डियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा, राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि आयरन। क्या आएगा इसमें, बी इज करेक्ट आंसर, आयरन आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एलिमेंट प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, यानी कि नाइट्रोजन निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक तत्व क्या है। नाइट्रोजन निर्धारण में, डियर समझिएगा क्वेश्चन, डियर हमेशा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना, देन आंसर पुट करना कि राइट आंसर ये होगा। नाइट्रोजन निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक तत्व क्या है? तो यहाँ पे मॉलिब्डेनम होगा, या कॉपर होगा, या मैग्नीज होगा, या जिंक होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? तो ऑप्शन इसमें आएगा ए, मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 38 नंबर क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम कॉजेस, यानी मॉलिब्डेनम की कमी के कारण क्या होता है? विल्टिंग ऑफ प्लांट, इंक्रीजेस इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, या फिर क्लोरोसिस इन प्लांट, या मॉटलिंग एंड नेक्रोसिस इन प्लांट। चार ऑप्शन दिया गया है डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसमें डी आएगा, मॉटलिंग एंड नेक्रोसिस इन प्लांट, डी इज करेक्ट आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखेंगे कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोज, आपको नाइट्रोजेंस एंड नाइट्रेट आपका रिडक्टेज इज, यानी कि नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज का घटक क्या है? ओके तो नाइट्रोजन होगा, या मॉलिब्डेनम होगा, या कोबाल्ट होगा, या नो स्पेसिफिक कंपोनेंट होगा। 39 नंबर का राइट आंसर क्या होगा डियर? इसमें आपका पूछा गया क्वेश्चंस में आपके पास कि नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट आपका रिडक्टेज का घटक क्या होगा, तो राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए डियर? तो ऑप्शंस बी आएगा, यानी कि मॉलिब्डेनम आएगा, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डियर, यहाँ पे देखिएगा, विपिल टेल डिजीज इन प्लांट्स इज कॉज्ड बाय, यानी कि पौधों में विल्ट आपका टेल रोग किसके कारण होता है, किसके कारण होता है क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी में आपका ए में क्लोरीन है, बी में कैल्सियम है, सी में मॉलिब्डेनम है, डी में आपके पास फास्फोरस है। चार ऑप्शन है डियर, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि मॉलिब्डेनम। देखिए डियर बिल्कुल वीडियो की जो टाइमिंग होती है, जो टाइम है बिल्कुल कम है, आप पूरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं एंड तक, ठीक है ना। 10 to 15 minutes का मिनिमम अभी वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लास्ट में जब पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे डियर, तो एक वीडियो में आपको 100 to 100 क्वेश्चन दी जाएंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की भी, और अलग अलग स्टेट में जो आपकी जीके है, नर्सिंग एप्टीट्यूड या फिर इंग्लिश में से क्वेश्चन आते हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन लास्ट में तीनों सब्जेक्ट के बाद किए जाएंगे डियर, क्योंकि उससे कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये तीनों में थोड़ा ज्यादा नंबर के आते हैं, तो तीनों पहले आपको प्रिपरेशन करना है। ये तीनों आपके अच्छी हो गए तो देन उसमें आपको थोड़ा बहुत तो नंबर आ ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है डियर, विच ऑफ दी फॉलोइंग एलिमेंट्स अब्सॉर्ब बाय प्लांट्स फ्रॉम सॉइल डायरेक्टली, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा सीधे मिट्टी से अवशोषित होती है, यानी कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, क्लोरीन होगा, या हाइड्रोजन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा सीधे क्या बता रहा, मिट्टी से अवशोषित होता है, वो क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा? देखिए आप लोगों को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपकी राइट कितनी हुई, साथ साथ में चलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है डियर। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, ब्रोन। लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे डियर, लाइव में मिलेगी, बट थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है मुझे लाइव क्लास देने में। कुछ ही दिनों में लाइव आप लोग के पास आने वाली है, जो इवनिंग में डेली बेसिस पे क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, जिसका कमेंट बॉक्स में आप लोग का आंसर पुट करना है और अपने आप को इवैल्यूएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच एलिमेंट इज यूजफुल फॉर सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण के लिए कौन सा तत्व उपयोगी है, बीज अंकुरण के लिए कौन सा तत्व उपयोगी है? तो बोरोन होगा, आयरन होगा, मैग्नीशियम होगा, जिंक होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं डियर, यहाँ पे पूछा है बीज अंकुरण के लिए कौन सा तत्व उपयोगी है, तो ऑप्शन सी आएगा, ब्रोन। क्या आएगा? ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ब्रॉन हार्ट डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, बीज अंकुरण के लिए कौन सा तत्व उपयोगी है? क्वेश्चन में आपका पूछा गया डियर कि ब्रॉन हार्ट डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि भूरा हृदय रोग किसकी कमी के कारण होता है, ब्रॉन हार्ट डिजीज है ना, किसकी कमी के कारण होता है? तो मॉलिब्डेनम, या फिर आपका पोटेशियम, या आयरन, या ब्रोन। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी सोचेंगे इसमें
राइट आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन इसमें डी आएगा, यानी कि ब्रोन। क्या आएगा? ब्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पे, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व या ट्रेस तत्व है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछा। माइक्रो और मैक्रो टू टाइप्स के हैं डियर, इसमें से मैग्नीशियम होगा, जिंक होगा, कैल्सियम होगा या फिर फॉस्फोरस होगा। मैक्रो पूछा है तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि जिंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, फंक्शन ऑफ जिंक इज, फंक्शन ऑफ जिंक जस्ता का कार्य क्या है? तो सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल या बायोसिंथेसिस ऑफ आईएए या क्लोजिंग ऑफ अस्टोमाटा या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चार ऑप्शन दिया गया है डियर, राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर डियर इसमें देखिए क्या होगा, ऑप्शंस बी होगा, यानी कि बायोसिंथेसिस ऑफ आईएए यानी कि आपका इंडोल एसिटिक एसिड होता है डियर, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है डियर, इट हार्मोन होते हैं ये, जो कि प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड कम क्या करता है, ऑक्सिन क्लासेस। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, बायोसिंथेसिस ऑफ आईएए यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, लिटिल लीफ डिजीज इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, छोटी पत्ती की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कॉपर के कारण होता है, सोडियम के कारण होता है, मॉलिब्डेनम के कारण होगा या जिंक के कारण होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी होगा, जिंक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व तो है? तो नाइट्रोजन है, कैल्सियम है, कॉपर है या कार्बन है। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन सी आएगा, यानी कि कॉपर। नेक्स्ट है डियर 48 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा, एक्सथेंथिमिया इन सिट्रस इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि साइट्रस में एक्सथेमा किसकी कमी के कारण होता है? एक्सथेमा इन सिट्रस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर, राइट आंसर क्या होगा इसमें? इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर, कॉपर होगा, जिंक होगा, आयरन होगा या मैंगनीज होगा। चार ऑप्शन है डियर इसमें, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आएगा, यानी कि कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर यहाँ पे, थैलेमेट दैट कॉजेस टॉक्सिक इफेक्ट ऑन प्रोटोप्लाज्म आर, तो क्वेश्चन में पूछा गया प्रोटोप्लाज्म पर विषाक्त प्रभाव पैदा करने वाले तत्व तो क्या है? प्रोटोप्लाज्म पर विषाक्त प्रभाव पैदा करने वाले तत्व तो क्या होगा? तो आर्सेनिक, कॉपर एंड मरकरी या कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन या आर्सेनिक कार्बन एंड मरकरी या कॉपर कैल्सियम एंड फास्फोरस। चार ऑप्शन है डियर, राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि आर्सेनिक, कॉपर एंड मरकरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, एलिमेंट टाइप टेक पार्ट इन, देखिए, कैटालाइटिक रिएक्शंस आर, कैटालाइटिक रिएक्शंस यानी कि उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं में भाग लेने वाले तत्व हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिंक मैग्नीज एंड कॉपर, फास्फोरस पोटेशियम एंड ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड जिंक। चार ऑप्शन दिए गए हैं डियर, राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, यानी कि जिंक मैग्नीज एंड कॉपर। बी इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इसमें राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देख क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है इसमें, कि द डेफिशिएंसी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नॉट ओनली अफेक्टेड ग्रोथ ऑफ प्लांट बट आल्सो वाइटल फंक्शन सच एज फोटोसिंथेटिक। देखिए डियर यहाँ पे वाइटल फंक्शन सच एज फोटोसिंथेटिक एंड आपका माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो। अमंग द इट्स गिवन बिलो विच ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स कौन होगा सेल अफेक्टेड मोस्ट बोथ फोटोसिंथेटिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। यानी क्वेश्चन देखिए डियर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं डियर। राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए डियर, तो यहाँ पे कॉपर, देखिए मैग्नीज एंड आयरन, कॉपर, यहाँ पे कोबाल्ट, देखिए कोबाल्ट, निकेल एंड मॉलिब्डेनम या फिर मैग्नीज, कोबाल्ट
आपका कैल्शियम या कैल्शियम पोटेशियम एंड सोडियम, चार ऑप्शन है। क्वेश्चन में आपका पूछा गया है डियर कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी ना केवल पौधों के विकास को प्रभावित करती है बल्कि महत्वपूर्ण कार्यों को भी प्रभावित करती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन प्रवाह होती है। नीचे दी गई सूची में से तीन का कौन सा समूह तत्व प्रकाश संश्लेषक और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन दोनों को सबसे अधिक प्रभावित करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, यानी कि कॉपर, मैंगनीज और आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कॉपर, निम्नलिखित में से किसमें तांबा होता है, तो आपका क्विनोन या फिर प्लास्टो क्विनोन या फिर प्लास्टो आपका कायनीन या नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, प्लास्टो कायनीन, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 53 नंबर, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग ग्रुप सर्व एज माइक्रो एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह पौधे के विकास के लिए सूक्ष्म तत्व के रूप में कार्य करता है, तो मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम या सोडियम पोटेशियम ब्रोन या सोडियम निकेल एंड क्लोरीन या कॉपर मॉलिब्डेनम जिंक, चार ऑप्शन दी गई है डियर। इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी आएगा, यानी कि कॉपर मॉलिब्डेनम जिंक, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, द नॉट एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट इन सेवरल ग्रासेस, आपका सीड्स डायमेटस इटिसी इज, कई घास शेष डायटम आदि में मौजूद गैर आवश्यक तत्व तो क्या है, तो मॉलिब्डेनम होगा या कोबाल्ट होगा या जिंक होगा या सिलिकॉन होगा। सेवरल ग्रासेस यहाँ पे पूछा डियर एंड शेष डायटम इसमें, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि सिलिकॉन, क्या होगा डियर इसमें, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 55 नंबर क्वेश्चन है कि विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर योर नॉर्मल प्लांट, यानी तत्वों का कौन सा समूह एक सामान्य पौधों के लिए आवश्यक नहीं है, तो पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम या फिर आयरन जिंक मैग्नीज एंड ब्रोन या लीड निकेल आयोडीन एंड सोडियम या मैग्नीज आयरन एंड मॉलिब्डेनम, चार ऑप्शन है डियर। राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें जो होगा डियर आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि नीड निकेल आयोडीन एंड सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 56 नंबर क्वेश्चन, एन एनएरोबिक आपका सैप्रोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग फ्री लिविंग बैक्टीरिया इज, एक एरोबिक सैप्रोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग मुक्त जीवित बैक्टीरिया है, एजो स्पायरेलम या जो बैक्टर या क्रोमैटियम या फिर क्लोस्ट्रिडियम, चार ऑप्शन दिया गया है डियर। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि एजोटोबैक्टर, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डियर हमारे पास 57 में हाइड्रोपोनिक्स इज या सिस्टम ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन, हाइड्रोपोनिक्स पौधों को उगाने की एक प्रणाली है, तो आपका सोलियस कल्चर्स और सॉल्यूशन कल्चर्स, एसिडिक सॉइल्स या आपका आपका सॉइललेस कल्चर्स विद एल्कलाइन पीएच या सॉइललेस कल्चर विद एसिडिक पीएच, चार ऑप्शन है डियर। क्वेश्चन में पूछा है हाइड्रोपोनिक्स इज अ सिस्टम ऑफ ग्रोइंग प्लांट इज, हाइड्रोपोनिक्स पौधों को उगाने की एक प्रणाली है, कौन सी होगा डियर, तो ऑप्शन सी आएगा, यानी कि सॉइल लेस कल्चर्स और सॉल्यूशन कल्चर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, एरियोपोनिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज, यानी एरोपोनिक्स को क्या कहा जाता है, तो सॉइल लेस कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स या फिर पार्थोनो पार्थोनिकार्पी या विविप्रे या फिर देखिएगा आपका फाइटोट्रॉन, राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर आपका, तो इसमें आपका ऑप्शन ए आएगा, यानी कि सॉइललेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 59 नंबर, अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यहाँ से आपका जो 2019 में पूछा है क्वेश्चंस, द आपका नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया आर, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है तो आपका देखिएगा क्या है डियर आपका, ऑप्शन सी में है फोटो ऑटोट्रॉफस, बी में क्यूमो ऑटोट्रॉफस, सी में कीमो हेटरोट्रॉफस, डी में है आपका सेप्रोट्रोफस, चार ऑप्शन दिया गया डियर। जो नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के बारे में पूछा और ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है डियर, राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, यानी कि कीमो ऑटोट्रॉफस, आप लोग भी सॉल्व करें डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, द हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट कैन बी ट्रेस्ड इन, हीमोग्लोबिन जैसा वर्णक का पता किसमें लगाया जा सकता है, तो सीड्स ऑफ लेग्मी,
या क्लोस्ट्रिडियम या रेजोबियम या लेगमेनियस रूट नोड्यूल्स, चार ऑप्शन है डियर। दो भी 2019 में क्वेश्चन पूछा है, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा, यानी कि लेगमेनस रूट नोड्यूल्स। देखिए क्वेश्चन में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट कैन बी ट्रेस्ड इन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 2017 का है। नाइट्रोजन इज ऑब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, नाइट्रोजन इज ऑब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, नाइट्रोजन को पौधों द्वारा किस रूप में अवशोषित किया जाता है। तो देखिए डियर इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में डियर NO-3 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है आपका, -3 होगा, ओके। यानी कि यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +4 है, NH+4, क्वेश्चन ए एंड बी का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बोथ ए एंड बी है और नेक्स्ट में नॉन ऑफ दी एबव है, यानी कि से पूछा गया है कि नाइट्रोजन इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, नाइट्रोजन को पौधे द्वारा किस रूप में अवशोषित किया जाता है क्वेश्चन में ये है डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए, राइट क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि दोनों का दोनों होगा, NO-3 और NH+4 दोनों आएगा डियर, यानी कि बोथ होगा ए एंड बी। 2017 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है, 2016 में पूछा है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, निम्नलिखित में से क्या खनिज की कमी के कारण नहीं होता है, क्या खनिज की कमी के कारण नहीं होता है, क्वेश्चन में आपका ये पूछा है डियर। ऑप्शन सी में देखिए क्लोरोसिस या एथियोलेशन या शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स या फिर नेक्रोसिस, चार ऑप्शन है डियर। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि आपका एथियोलेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, प्लांट्स डेफिशिएंट इन जिंक सो रिड्यूस्ड बायोसिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, 2015 का क्वेश्चन है डियर, 2015 में पूछा है। तो साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एथिलीन या फिर आपका एब्सिसिस एसिड, एब्सिसिक एसिड, यानी कि जस्ता में कमी वाले पौधों, जस्ता में कमी वाले पौधों विकास हार्मोन के कम जैव संश्लेषण दिखाते हैं, तो क्या दिखाते हैं डियर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑक्सिन के कारण। नेक्स्ट डियर हमारे पास 64 नंबर, यहीं तक क्वेश्चन आपको मिलेंगी, देन लास्ट में 65 है जिसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आपको नेक्स्ट डे उसकी राइट आंसर मिलेगी। यहाँ क्वेश्चन में डियर जिंक है, मॉलिब्डेनम है, आयरन है, कॉपर है, ये क्या होगा, तो ट्रेस एलिमेंट होगा, नॉन एसेंशियल होगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होगा या नॉन ऑफ दी एबव होगा। 2015 में पूछा, देखिए इसे क्वेश्चन पूछता है ना, दो या तीन क्वेश्चन इससे एग्जाम में जरूर आते हैं डियर। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, जिंक होगा, मॉलिब्डेनम होगा और आयरन और कॉपर होगा, ये क्या है हमारा ट्रेस, आपका ये जो है आपका ट्रेस एलिमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट डियर हमारा जिसका आंसर आपको पुट करना है, क्लोरोसिस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि क्लोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है, ये कम्युनिटी टैग में भी अभी हम पुट कर दे रहे हैं, क्वेश्चंस दे दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और यहाँ भी कमेंट करना है डियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो एक लाइक तो बनता है डियर, कमेंट करें एंड साथ साथ में शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपकी ऐसा ही क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।